उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल ने 1 किलो लड्डू का भोग किया अर्पित। आपको बताते चले कि राम मंदिर निर्माण में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की खुशी में उद्योग व्यापार मंडल यूथ पावर ने संयुक्त रूप से राम जानकी मंदिर जनकपुरी में राम जी कृपा से 1 किलो लड्डू का भोग अर्पित किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण चाय वितरण भी किया गया। अध्यक्ष गौरव सक्सेना ने कहा कि आज के ही दिन हमने जिन संघर्षों बलिदानों को देखने को मिला है उन बलिदानों को वारंबार नमन है। आज का दिन जाने कितने कर सेवकों के राम भक्तों के प्राणों के न्यौछावर कर देने के बाद 500 वर्षों बाद संघर्ष के बाद देखने को मिला, खुशी के प्रत्येक राम भक्त व भारतवासी को है। इस मौके पर उन्होंने 1 किलो लड्डू अपने संगठन के संयुक्त सहयोग से राम जानकी मंदिर में अर्पित किए। गौरव सक्सेना, अध्यक्ष उद्योग व्यापार सुरक्षा मंडल। आज 22 जनवरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम सभी राम भक्तों ने आज राम जानकी मंदिर जनकपुरी में हम सरवराकार राजीव बिसरिया जी और हमारे प्रतीक धवन, संजय शर्मा, ऋषभ वशिष्ठ, शिवम सक्सेना, चेतन गुजराल आदि सभी सदस्यों ने 21 किलो का लड्डू राम जानकी मंदिर में ईश्वर की कृपा से भोग अर्पित किया है और आज हम राम भक्तों में जो खुशी है उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। साथ ही चाय वितरण का भी कार्यक्रम कराया है और आज बरेली जिस तरीके से सजी हुई है हमारा अनुमान है कि पूरा भारत देश इसी तरीके से सजा हुआ होगा। प्रत्येक राम भक्त की इच्छा आज पूरी हुई और हम सभी उन कार सेवकों को, उन बलिदानों को नमन करते हैं जिन्होंने आज इस दिन के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे और हम उनको बारंबार नमन करते हुए इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि आज हमें ये दिन, आज हमारी ये जो पीढ़ी है उसको ये दिन देखने का मौका दिया। धन्यवाद।